लिंग मुद्रा एक पावरफुल शक्तिशाली योग मुद्रा है जो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती है, हमें ऊर्जावान बनाती है। इस हस्त मुद्रा को अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहला, लिंग मुद्रा को किस तरीके से करते हैं। दूसरा, हम जानेंगे इस मुद्रा को करने के कई सारे जो बेनिफिट्स हैं ना वो क्या क्या है, किन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, ये सारी की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब जान लेते हैं कि लिंग मुद्रा का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो कि ये आपकी शरीर में गर्माहट को बना के रखता है। सर्दी के दिनों में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो नेचुरली आपके आपके शरीर में वो गर्माहट आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कफ होता है, लाइक सर्दी होती है, खांसी होता है, सांस लेने की तकलीफ है, फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी हो जाती है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की समस्या है, तो लिंग मुद्रा आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कमज़ोरी लगती है, सुस्ती लगती है, आलस आता है, आपकी इम्यूनिटी को ये अभ्यास, ये मुद्रा बूस्ट करती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि आपके जननांगों से रिलेटेड कोई भी समस्या है उससे भी उबरने में ये अभ्यास मदद करता है। अगर आपको PCOD, PCOS की समस्या है, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है तो भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है ना वो इम्प्रूव होगा, जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होगा। अगर हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं ना, या कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्डर है यानी पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो उसमें भी आपको बहुत मदद करने वाला है। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो वेट लॉस करने में भी यह अभ्यास बहुत ज़्यादा मददगार है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, बहुत डिप्रेस है, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बहुत अधिक शरीर में फैट हो गया है, फैट लॉस करने में भी बहुत मदद करेगा। ये तो हो गए लाभ, लेकिन अब बताती हूँ सावधानियाँ। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है, हाथों में पसीने आते हैं, या हाइपरटेंशन की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति इस अभ्यास को बहुत कम, लग 3 से 5 मिनट ही करें, बहुत ज़्यादा लंबी देर तक ना करें, कम्प्लीटली अवॉइड ना करें, क्योंकि इससे आपको लाभ तो मिलेगा। अब बहुत से लोगों के मन में कई बार ऐसा सवाल आता है कि ऐसा क्या होता है कि हम सिर्फ कुछ छोटी छोटी मुद्राएं लगा दें और उससे इतने सारे स्वास्थ्य लाभ मिल जाएं। मैं बताती हूँ, देखिए आप सभी ये तो जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से यानी 5 तत्वों से मिलके बना होता है और पूरी की पूरी प्रकृति ही 5 तत्वों से मिलके बनी होती है। और ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर में, हमारा शरीर भी इनसे बना हुआ है। इन 5 तत्वों को आप अपनी 5 उंगलियों के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। अब हर एक उंगली अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। मैं बताती हूँ कौन सी उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये लिटिल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को यानी जल को, पानी को। उसके ऊपर अर्थ यानी पृथ्वी रिप्रेजेंट करती है आपकी रिंग फिंगर। उसके ऊपर जो है ना आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है आकाश को, आकाश यानी स्पेस को, ठीक है। उसके ऊपर वाली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है वायु को यानी एयर को। और जो आपका थंब रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, अग्नि यानी फायर को। तो ये 5 उंगलियां जो हैं इस तरीके से अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे शरीर के जो नर्व एंडिंग्स है ना वो हमारी उंगलियों से हो रहे हैं, इनसे बहुत सारी एनर्जी जो है वो एलिमिनेट हो रही है और इन एनर्जीज को कंजर्व करके आप बहुत अच्छी तरीके से इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल वापस से अपनी एनर्जी को रिटेन करने में लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये मुद्राएं, अलग अलग योग मुद्राएं, हस्त मुद्राएं आपको मदद करती हैं आपके आपकी बॉडी
बॉडी को लाइक रिचार्ज करने में, आपके शरीर में वो उत्साह, वो गर्माहट लाने में। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से करेंगे लिंग मुद्रा का अभ्यास। आइए अब आपको सिखाती हूँ किस तरीके से आप करेंगे लिंग मुद्रा का अभ्यास। बहुत जगह आप इस प्रैक्टिस को, इस मुद्रा को शिवलिंग मुद्रा के नाम से भी जानेंगे। इस मुद्रा को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन या किसी भी पोजीशन पे बैठ जाएं। अगर आप फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं इस तरीके से मैट बिछा के, अपनी कुर्सी पे ही सोफे में बैठकर आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने 5 तत्वों की जानकारी इसमें दे दी थी, तो इसमें क्या है, आपका फायर एलिमेंट जो थंब है ना, ये डोमिनेट करेगा बाकी के सारे एलिमेंट को, उसी से आपके शरीर में गर्माहट आएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से ऐसे जोड़ना है, और फिर जोड़ने के बाद उंगलियों को आपने एक दूसरे के साथ इस तरीके से ऐसे फंसा लेना है। इस तरीके से फंसाने के बाद जो आपके दोनों थंब हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से सीलिंग की तरफ है ऐसे। फिर उसके बाद लेफ्ट अंगूठे को वहीं पर रहने देना है, और राइट अंगूठे को क्रॉस कर लेना है, और इसको अपने थंब के अराउंड इस तरीके से जोड़ देना है, इस तरीके से ऐसे। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपको रख देना है आराम से अपने पेट के करीब इस तरीके से, और आपकी स्पाइन को सीधा रखिएगा, आँखों को बंद रखिएगा, और आँखों को बंद रखने के बाद अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा इस तरीके से। और आप ऐसे बैठे बैठे ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सांस ले रहे हैं नाक से और सांस छोड़ रहे हैं नाक से, सांस ले रहे हैं नाक से और सांस छोड़ रहे हैं नाक से। जब आप अपने सांसों पर काम करें ना, तो कुछ दिन तो सांसों को जितना लें उतना ही छोड़ दिया करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपका अभ्यास हो जाए, हफ्ते दो हफ्ते के बाद, तो कोशिश करें जितनी सांस लें उससे दोगुनी सांस छोड़ने की कोशिश करें। नाक से सांस लें और नाक से सांस को छोड़ें। फिर से देखिए, नाक से सांस लें 1 2 3 4 और फिर नाक से सांस को छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा काउंट करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है मैंने। नाक से सांस लें और नाक से सांस को छोड़ दें। अगर आप लिंग मुद्रा लगा के बैठे ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर से पसीने भी छूटने लगते हैं। इसीलिए इसका अभ्यास अगर आप सर्दियों में करते हैं, यानी बहुत कड़ाके की सर्दी आजकल है ना, तो सर्दियों में करते हैं, तो आपको इससे आपकी शरीर में वो गर्माहट, वो ऊर्जा, वो एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हाँ, जब इसका अभ्यास आप गर्मियों के मौसम में हो जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो फिर इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट करना इज इनफ। आप खुद समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा गर्माहट अगर शरीर में आ गई, तो फिर इस मुद्रा का अभ्यास छोड़ के आराम से दोनों हाथों को घुटने पर रख के आप इस तरीके से चिन मुद्रा लगा सकते हैं। थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ इस तरीके से जोड़ें, और इसको घुटने के ऊपर रख के आराम से आँखों को बंद कर लें। आप जानते हैं इस मुद्रा को कितनी देर करना है। इस मुद्रा का अभ्यास आप मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट तो करें, और या कि फिर 15 से 30 मिनट इसका अभ्यास किया जा सकता है। अगर आप एक बार में बैठ के अभ्यास नहीं कर सकते हैं 30 मिनट तक, तो 15 मिनट सुबह कर लीजिए, 15 मिनट शाम कर लीजिए, लेकिन करना लगातार है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, और अगर एक साथ बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कब करना है इस मुद्रा का अभ्यास? इस मुद्रा का अभ्यास वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, या कि फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि सुबह या शाम जब आप अपने योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस वक्त लिंग मुद्रा का अभ्यास अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस को। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आसानी से मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास कर लें। अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, बिगनर हैं या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, बिना झिझक के बेफिक्र आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। एक बात बताऊं, इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को कई सारे स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, जैसे कि अगर उनको डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आती, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, तो ये क्लासेस हाईली रिकमेंडेड है। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में मैं आपको सिखाती हूँ अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल आपको ओवरऑल बेनिफिट मिले, आपको ओवरऑल स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर आप किसी कारण से समय की कमी या कि फिर स्पेसिफिक टाइम पे जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते, कोई बात नहीं, मैंने एक घंटे के कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं इस तरीके से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके आसानी से अपने घर के कंफर्ट जोन में योग का अभ्यास कर सकता है। इन वीडियोस में भी हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान किस तरीके से करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो देर किस बात की, जाइए और अभी चेकआउट कीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये मुद्रा आपको सिखा दी। अब आपको हर रोज इस मुद्रा का अभ्यास करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, ताकि इससे होने वाले जो स्वास्थ्य लाभ है वो आपको मिल सके। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिएगा। नमस्ते।